मेडिकल में तो आप पीटी हैं, एनसीसी में सी सर्टिफिकेट भी लोड हुई हो, तो कोई दिक्कत ही कौन थी। बी टाइम पे इंटरव्यू में एक ही लड़को रिजेक्ट हुए, वो मैं हूँ। क्यों हो? डांस का कारण। कभी स्टेशन पर सोए हो? आया की भी नौबत आई है कि मैं सो, वो जो सुलभ शौचालय है ना, बैठे ही सुबह नहा धो के जाया करते हो, फिर काम किया करते हो। कलकत्ता गए जो ना, मैंने एक बटा को कोई बड़ो कोरियोग्राफर हो, वो बेला फुसला के मेरा पैसा था जो जेब जेब में, वह भी लाग गया। कर्जा में आ गया मैं, मेरे को पैसा ही कौन था। घूमर जद में लेके आए हो, जद मैन कमेंट आया करता कि दो ही स्टेप है घूमर में, कितना चलोगे? बस ये। लेकिन दो का 400 बनाया मैं, जो पहली बार घूमर में कराया गया। सबसे पहले स्टेज के ऊपर कब डांस करे हो? एक्स्ट्रा में शुरू हुई हो और लास्ट वाला दिन बस ऐसे बीच में एनसीसी को सीजन आज बढ़िया कमा रहे हैं। हां मतलब हां, आज मैं जानता हूं। घूमर, घूमर की है? घूमर एक डांस को ना, एक प्ले है। प्रिंस ओलंपियाड में टैलेंट से बदले तकदीर और पक्का करें अमेरिका जाने का ख्वाब। 5th to 12th क्लास के बच्चे आज ही रजिस्टर करें और जीतें करोड़ों की स्कॉलरशिप। सबसे पहले स्टेज के ऊपर कब डांस करे हो? सबसे पहले करे हो मैं मेरे 7वीं क्लास में। और वो भी स्कूल में? वो भी स्कूल में। अच्छा, या कोई थर शादी वगैरह ही? ना ना, आया शादी में हम तो मैं करे करे कर तो याद ही को नहीं बन। अच्छा, ये तो मतलब थे भाई, अगर अगर भाई डांस करना है मतलब घर का बोला कि भाई स्पीकर जति लगा तू नाचे को, तो मतलब थे पूरा फैला रहता होगा। फैला रहता बिल्कुल, जैसे मतलब ब्याह शादी होती तो जैसे बॉडी में रिदम है तो मजा आता। मामू सर डांस करा करता, मामू सर साथ करा करता, खूब दबा कर तो मैं वो गोविंद वालों या देख कम दे ठुक और देख कम शोल्डर वालों वो खूब करा करता मामू सर के साथ में। ब्याह शादी में माहौल बनाया रखा रखता, गाना चेंज करता था, गाना ढूंढता जी टाइम पर जो भी आया करता अपने, तो जी टाइम तो करा ही करता। वो तो पता को ना, वो तो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए हो। मतलब रात ने जहां भाई डांस करी तो आपने पहली राजस्थानी गीत गाया करी पांच चार, तो मतलब गीताली लुगाए थे 12-1 बजे तक नहीं रोके रखता। सही कह रहे हो, फिर क्या करते पहले ही को डांस देखने में चलो बड़े रात से यार। अच्छा अच्छा हां, तो फर्स्ट बार स्कूल में डांस करियो तो वो एक कह को मतलब एक्सपीरियंस हो की फील कर पा रहे अभी टाइम वो एक्सपीरियंस है इनको दूं की स्टोरी है क्योंकि कह है कि जब मैं स्कूल में बच्चा छट रहा डांस खातर तो मैं लेट हो गयो। अच्छा। दो दिन बाद में गयो मैं, डर गयो मैं, मुंह कौन चला यार के पता हुआ कौन। फिर बाद में दो दिन बाद में मैं गयो कहीं भी हिम्मत करके, मां पापा भी ले लिया कॉम्पिटिशन डांस में भाग। मैं लियो जाना मैम बोले की तू एक्स्ट्रा में आ जाए। अच्छा। एक्स्ट्रा में कि भाई मान लो कोई डंको नहीं करे, कोई बीमार हो जाए एंड टाइम पे तो तन रख लेंगे एक एक्स्ट्रा में भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक्स्ट्रा मतलब भाई काम में कढ़वा लेंगे। हाँ कढ़वा लेंगे। अच्छा। तो मैं एक्स्ट्रा में शुरू हुई हो और लास्ट वाला दिन बस ऐसे बीच में तो उस दिन मतलब मैंने खुशी हुई कि यार मैं तो आया था कि भाई ठीक है तनी ले लेंगे। और फिर बाद में मैम ने बढ़िया लागो कि भाई यो बढ़िया करे यार तू बीच में, सबसे बढ़िया कर रहे। माँ बाप तो आपने जो सीकर झुंझुनू का मम्मी पापा ही नॉर्मल फैमिली का है, भाई ये सोचेगा छोरो वो छोरी वो पढ़ है बढ़िया नौकरी कर रहा है और पापी को ब्याह कर दिया, पापी का टाबर हो जाए। अठे तक की बात रहे ना, अठे तक की बात है। नौकरी सरकारी का नहीं ध्यान रहे शुरू से, बिल्कुल ठीक ठाक पढ़ ले 10वीं 12वीं में और ठीक ठाक पढ़ना है तो खुद सरकारी नौकरी तोड़ लेगो, नहीं है तो थोड़ी कोचिंग वाचिंग करवा के इन सरकारी नौकरी तो फिट करना। चाहे वही मेरे सीन तो डांस डोंस की सुनता है बोले यार यो करा वो खराब, यो तो करो खराब। और फिर आस पास वालों ने बात मिल जाए रिश्तेदार ने भाई लड़को पर बाद है डांस डांस करे के मतलब के कमाओ डांस वांस को घर में, तो आया घर वो तो भाई गुस्सा तो भाई वही टाइम पर हुआ ही आप आपने तो ये डांस में मतलब भाई थे भाई मनान खातर पूरे घर का, क्योंकि पहले तो स्कूल वगैरह में थी करता आया होगा बिग बाद में थे छोटा स्टेज बड़ा स्टेज, जब थे छोटा स्टेज स्टार्टिंग करी स्कूल वगैरह ने छोड़ की कठे भी थे गया होगा कॉम्पिटिशन में या सीधा ही मुंबई चला गया? ना ना मैं बताते ही घर बताता ही नहीं। तो आज बता दे जनको पर आज तारा सारी बातें ही मैं खोद ले गया तारा मम्मी बाबा ने मेरे प्रजा को चारों प्रतिमा छुपा रखा। अब तो मेरे पार्ट गए उन सारी चीजें को। मैं वो टाइम पर बताता ही कोई कंपटीशन हो, मान लो कॉलेज कंपटीशन है मन जानो है, मैं चुपचाप मेरा जो
400-500 रुपया बचा के वो पापा भेजा करता उनमें से कहीं भी करके बट जाकर आ जाया कर तो बताते हार तो भी कौन बताते जीत तो भी कौन बताते अच्छा मन में ही रखते वहां ठीक भाई वो भी थार में टैलेंट ही है कि ते कोई बात शेयर को नहीं करता लेकिन पापा जी भी मैं थोड़ा बहुत मन दे दिया करता है या कौन रखता भी मतलब बाद में बाकी थोड़े थोड़े धीरे धीरे समझ में आने लगा कि यार परेशान ना हो जा छोरो इतनी बाहर ना रह रहे हो पापा जी भी दे दिया करता मैं मतलब मेरी जो असली कमाई थी ना मतलब वह चीज तो इतना है इतना रुपया तो आप मुंबई जा रहे हैं ट्रेन को लाग जाए जनरल में जा रहे बटे खावा भी का कटे रुका भी का है ना बटे को लाग जाए ऑडिशन देने जा रहे हैं कटे वो लाग जाए कभी स्टेशन पर सोए हो अब मैं आया की भी नौबत आई है कि मैं सो वो जो सुलभ सो चल ना बठे ही सुबह नहा धोकर जाया कर तो फिर काम करा कर तो फिर बठे ही जाया कर तो फिर काम कर आया की भी स्थिति आई मेरे अंदर जय मान लो रहने खातर कोई जगह कौन थी ना दो के जाना पड़ता काम करने खातर तो रहने खातर तो आए कटे भी मतलब चले गए और गुजारे कटे भी जगह मिल गई बठे सोगा हाँ और ना दो बठे सुलभ सो चले हम जाकर फिर के नाम है कोई कोई भी काम करा कर तो बठे मेरे कलकत्ता में थोमे जी टाइम पाते हैं कि नौबत में तो देख लो कि कोई भी इंसान मतलब कोई भी लेवल का ऊपर रहे पर जो भी पीछे की जो बातें ही जो वह मतलब स्ट्रगल जो करो है भाई स्ट्रगल की बात बता रहे हैं कि आजकल आज को यूथ है वो बिल्कुल भी बस जन फेस को नहीं कर सका कि भाई थे मतलब कि सुलभ सोचा नहीं बड़े थारो नानो दोनों फ्रेश व्रेश होनो भी बंदा काम करके आनो फिर जठे ही जगह मिली बठे सोगा नहीं कौन कर सकता अभी टाइम पर मेरे कन था कलकत्ता में जय क्यों है कि आप एक तो मैं भूड़ो बहुत रह गया टाइम पर मैं दुनियादारी को बट ठोकर खाई जना सीखी चढ़ा दुनियादारी की ठोकर है कलकत्ता गयो मैं कलकत्ता गयो जना मैंने एक बड़ा को कोई बड़ो कोरियोग्राफर हो वो बेला फुस ला के बोल तू मेरी अकेडमी में सिखा दिए अच्छा। और आपा कोई शो वो करांगा बढ़िया बड़ा बावला बना दिया बावला बना दिया वो ना तो किमी के नाम शो कराया मेरा पैसा था जो जेब में वह भी लाग गया फिर मैं देखो यार ये तो लुट गया आपा तो लुट गया ना तो घर जान कर यार ना अठे रहन कर जना मैं आया की नौबत आ गई मैं बठी छोटो छाटो झूठ झाट बोल के भाई मैं तो जा रहा हूँ घर जा रहा हूँ लेकिन घर तो फिर मन नौकरी करनी पड़ती डांस मेरा पैशन खत्म हो जाता बिल्कुल तो मन मेरा पैशन भी जिंदा रखना हो और मतलब मन वह चीज ब्रेक भी कौन करनी थी मेरा रूटीन ब्रेक हो जाए डांस को क्योंकि छोटे बाद में एक बार 5-6 साल छोड़ दिया फिर वो छुट्टी गई तो भैया थे जॉब के लिए कोई एग्जाम वगैरह कुछ तो दी होगो क्योंकि घर का या काम कराए ना तो छोड़ ही कोने मैं पॉलिटेक्निक कर रही हूँ जी टाइम पे मैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर भी हूँ अच्छा हाँ और अपने बी टाइम पे सीखा हुआ टीम दो जना ने अल्फा झुंझुनू में दो जना ने अल्फा ग्रेड मिली थी 2006 में एक अजीत सिंह जी था और एक और था अच्छा मतलब एनसीसी सी सर्टिफिकेट में अल्फा ग्रेड सबसे बड़ी रहे ओके तो वह मिली मन तो पापा जी बोले एनसीसी भी है तेरे कहना और तू बढ़िया पढ़ाई भी पीसीएम से करी है तो तू आर्मी वगैरह का मैं नेवी एयरफोर्स का दिखा कर दू तो मेरा एक बार झुंझुनू हाँ फौजी है ही वही जुनून ही वही रहा तो मेरा एयरफोर्स में मेरा एक बार एग्जाम क्लियर हो गया पूरा एकदम और फिर उसके बाद में इंटरव्यू सेक्शन रहे तो बी टाइम पर तो धड़ाधड़ भर्ती चल रही अच्छा। तो जी को एग्जाम क्लियर हो गए तो लगभग लगभग मेडिकल में आप एनसीसी में सी सर्टिफिकेट भी लोड हुई हो तो कोई दिक्कत ही कौन थी बी टाइम पर इंटरव्यू में एक ही लड़को रिजेक्ट हुआ था वो मैं हो आप क्यों हो डांस का कारण क्योंकि एक तो क्यों थे डांस थोड़ी कर ली हो बड़े मैं बटे सच बता दिया बोले आपका पैशन क्या है आपका मतलब हॉबी क्या है बोले डांस तो बोले आप इसमें क्यों आना चाहते हो फिर बोले कि ये तो कर्तव्य है अपना सब कुछ अपना इस जो अपने हमारे आसपास के सब दादू सार बाबू सार मामू सार सब इसी में तो बोले इस चीज के लिए इसलिए मत आओ आप देश का रक्षा करने के लिए आप इसलिए आओ कि आप करना चाहते हो उनकी बात भी ठोस ही बिल्कुल है ना तो बोले आपका डांस में पैशन है तो आप डांस में जाओ ठीक है तो मतलब आपकी जगह सही है बात ये है हाँ लेकिन बठे अगर मैं यो कौन बोलता हूँ और मैं झूठ बोल जाता हूँ झूठ बोल जाता हूँ तो पास जाता हूँ इंटरव्यू में थे भी झूठ कौन बोला यह भी बहुत अच्छी बात है नहीं थे भी चाहता तो बड़े भाई 10-15 एक साल कर लेता जॉब और के हाँ 15 साल जॉब करके फिर अब आगे रखे कर लेता हो जाते 15 साल अब तक तो रिटायर हो जाता बढ़िया पेंशन लेता है झूठ कौन बोले टाइम पर झूठ बोलने को ना तो बोला तो मम्मी पापा घर का रोड़ा कौन करे
रोला तो करे ही है कि ना मैं कि तो नहीं बोलते तो चला तेरे हो जाते आज तेरे साथ का हो गया दो जना और बोले उनका तो एनसीसी को सर्टिफिकेट भी कौन तो तेरे का तो एनसीसी को सी सर्टिफिकेट बढ़िया हमारे ही हां मतलब हां आज मैं ज्यादा कमा रहा हूं नहीं 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 बी टाइम पर आज मैं तेरे पे कमा रहा हूं आज तो ते बढ़िया कमा रहा हूं भाई बिल्कुल अदा अपनी फैला रही और अदा इतनी फैल रही है कि भाई बात है कि टैलेंट है बट लेकिन हाँ वह है कि हर काम में करण में उतनी जब तक आपने उनकी अच्छी तरह नॉलेज नहीं होगी जब तक वह आपने अर्न करके कौन देगी सीधी सी बात है। ठीक बीच में ही बात बताई छोटी सी आपा फिर भी जगह छोड़ के दूसरा हाईवे पर चढ़ गया कि भाई मेरी सिस्टर सपोर्ट करो इंस्टा के लिए और आज इंस्टाग्राम पर आका 8.5 यूट्यूब पर मेरा ही 9,05,000 और इंस्टाग्राम पर है 8,09,000 हाँ मतलब 8.8 के लगभग का फॉलोवर ही यानी कि लगभग की जो फिक्स ऑडियंस है बा 20,00,000 के लगभग करीब है फिर और देखने वाला की तो कोई कमी को नहीं भाई बात है कि स्क्रॉल कर रहा है जना बिरोना कहीं का याजा है तो वो कमायो है थी वो कमायो है और इज्जत कमाई है अपना कल्चर ने इंटरनेशनली सिखायो है फॉरेनर ने सिखायो है एनआरआई जो अपने बाहर में रह रहे हैं मेरा 30-40% स्टूडेंट एनआरआई अच्छा जो बाहर में रह रहे हैं ऑनलाइन क्लास और मतलब थे जो इंडिया के बारे के लोग हैं जो अंग्रेज बोलते हैं सीधा अंग्रेज ने भी सिखाओ सिखावा बिल्कुल उनकी उनने भी अपना राजस्थानी कल्चर बहुत पसंद आया हिंदुस्तान में राजस्थानी कल्चर जैसा कोई कल्चर नहीं काल बेलिया डांस मन बहुत खतरनाक लगे खतरनाक यानी मस्त बहुत खतरनाक तो वो घूम घूम कर वो घूम घूम कर मतलब बैंड हो जाए पूरा बिल्कुल बैंड हो जाए बाकी मतलब जो ये भाई पता को नहीं कहीं हूं नहीं डांस करी मतलब मैं एक्सप्लेन कौन कर पा रही तो बढ़िया लग ना कि यार आपा देखा जावा मतलब एकदम लड़की डांस करी इतना सुंदर डांस हो है और सभ्यता लो डांस कुछ गलत नहीं कोई कपड़ा छोटा बड़ा वो चीज नहीं एकदम कालबेलिया डांस तो इंटरनेशनली पहचान बना चुके हो वो ब्लैक कपड़ा पहन कर जोर जोर से घूमे है और वो कुछ लैंग्वेज इतना भारी है कि आपा पूरी ड्रेस कोने हुए मैं चाहूंगी अपना राजस्थान में इतना सारा डांस स्टाइल ही मतलब एक राजस्थान है वो जी कौन सा डांस ने फॉलो करो जाए भाई थे घूमर है राजस्थानी कल्चर वो भी अपना राजस्थानी कल्चर ही है पर वही बात है कि अलग अलग है भाई आज कालबेलिया डांस अब वो मतलब की परिवार जो हां सपेरा परिवार है तो बताओ आज कितना फैला रखे हुआ है वह करा करी मैक्सिमम कालबेलिया वगैरह अब तो इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी करने लग गए कालबेलिया मेरे घूमर को है और अपने राजस्थानी अपने शेखावाटी चंग डांस बहुत तगड़ो चल रहा है मेरे जी टाइम पे अभी होली तो ना आप देता देता होली पे मान लो ट्रेंडिंग ही रही हूँ मैं हर वीडियो 5-5, 10-10 मिलियन सजना बोले यार यो अपना शेखावाटी का चंग दपाड़ो डांस है ना बहुत तगड़ो चल घूमर घूमर की है घूमर एक डांस को ना एक प्ले है एक महिलाओं द्वारा खेला जाने वाला नृत्य के द्वारा एक प्ले है एक जहां रम्या करे ना कोई चीज रमणा चाला घूमर रंबा चाला तो रमणो मतलब कोई चीज में बहनो कोई चीज ने साथ में सारा जना मिलके इंजॉय करनो खेलनो तो वो खेल है एक तरीका से घूमर और बीइंग अ मेल मैं एक टीचर हूँ जो घूमर की टेक्निक पे इतना साल रिसर्च करी है क्योंकि एक तरीका से घूमर जब मैं लेके आए हो जब मैंने कमेंट आया करता कि दो ही स्टेप है घूमर में कितना आग चलोगे बस ये कितना आग चलोगे और घूम लो बस कितना दिन तक चलोगा लेकिन 2 का 400 बनाया मैं 2 का 400 नया बनाया और आया का बनाया है जो पहली बार घूमर में कराया गया और अपनी जो जड़ है ना उन्हें बिना ब्रेक कराया वह स्टेप सही सेट हो गया हूं मैं उन टेक्निक पे जो मेरी पढ़ाई ही इंजीनियरिंग रिवर्स इंजीनियरिंग लगाई उन टेक्निक ना फॉलो करो मैं उनकी एक एल्गोरिदम बनाई और उन टेक्निक पे इतनी डीप में रिसर्च करी है कि आज नाना करता करता 400 से 500 नया स्टेप बनाया ही मैं लोग फॉलो भी करी ही लोग उनने कर कर आज मैं भी आगे बढ़ रही हूँ 5-4 स्टेप जाना करूँ मैं तो घूमर के अंदर और खुद ने भी इतना खोया मतलब देखा करूँ भाई जब घूमर डांस वगैरह मतलब आजकल मोबाइल में आता ही रही और थे मतलब 400 तक स्टेप्स बनाया है खुद खुद बनाएगा घूमर का तो
बात आ जाए है कि भाई मम्मी पापा चलो धीरे 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 ब्रेक मारता मारता थारो साथ दे दियो, और मतलब सिस्टर तो यहाँ को साथ दियो कि मालूम की बागत हो मुंह को ऊपर सरस्वती बैठी रास्ते मतलब अठ्यों अठे चला गया, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग है ना, जो ट्रेंड चल रहा है वो क्या को है वो सबने पता है सोशल मीडिया को, और बस शॉर्ट वीडियो का वाइफ थरे घराली थरी अर्धांगनी कितनों के साथ दियो। मेरी जो वाइफ है वह मेरी बैकबोन रही है हमेशा, मेरी बैकबोन हमेशा ही मेरी वाइफ रही है मीनाक्षी शेखावत। और राम राम मीनाक्षी जी। मीनाक्षी स्क्रीन के ऊपर आने में थोड़ी शर्मावा हमेशा, बिल्कुल, लेकिन बैकबोन कहाँ रही, जब मेरो जय मैं बताया कि मेरा घूमर स्टार्ट हुआ कोरोना के बाद, मेरा राजस्थान शादी कब हुई आपकी 2015 में, मतलब जना भी इतनों को डांस को वो को नहीं, मैं टीवी शो कर दिया था ना बी टाइम पे, और कोरोना आया 17-18 के आस पास, 19-20 में आया कोरोना, तो 19-20 में कोरोना आयो, तो बी टाइम पे तो हुआ मन मेरी मेहनत देखी है कि मैं कठे मूवी में भी काम करा करता हूँ, तुम्बाड़ मूवी में करो लाइफ बॉय का एड करा शूट करा मुंबई में बहुत बढ़िया काम करा करता हूँ, तो वो मेरी मेहनत देखी, जब मेरा डाउनफॉल आयो ना, जब मेरे कन बिल्कुल कर्जा में आ गया, मैं मेरे को पैसा ही कौन था कोरोना में, आर्टिस्ट कर तो कमाई कौन पायो, धंधा ही बंद हो गया, और उस टाइम पर मेरे टीवी पर काम करा करते तो मेरे वह अर्निंग थी ना कि मैं के नाम है सोशल मीडिया पर जुड़े हुए टाइम पर, सोशल मीडिया की अर्निंग थी को ना, तो मेरी अर्निंग तो बिल्कुल बंद हो गई। पी टाइम पे मीनाक्षी सामने आकर वो जो दूसरो सिल्वर बटन देख रहे वो फर्स्ट और सेकंड, हां वो उनको ही है। अच्छा, वो खुद को चैनल बनाई और बा भी टाइम पर 30-40 हज़ार महीना का यूट्यूब से कमाई करती भी टाइम पर, भी टाइम पर। और कोरोना काल में देखो काफ़ी लोग ही बाकी जिंदगी है भाई, मतलब अठों मतलब बाको दौर है भाई अठों अठे आगो, पर सोशल मीडिया के द्वारा बाको धीरे 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 वापस बैठे आगो, बिल्कुल वो अपना रिचुअल्स बताया करती, तो बन भी डांस आवे, हाँ उनने घूमर तो एक राजपूत लेडी ने घूमर आवे। हाँ, वह तो शुरुआत से खुद की मम्मी इन करता देखे, मम्मी दादी बुआ ससुराल में हर कटे देखे देखे तो उन घूमर आवे ही है। और तो बट उन टाइम पर मेरे को पैसा को ना वह मन फाइनेंशियली सपोर्ट करी, और फिर जी टाइम पर मतलब जया मेरी जयपुर में पहली डांस एकेडमी डाली तो मैं उनकी कमाई की डाली, मेरे को था ही मिला, तो सोचो मैं कमर वही है मेरी बैकबोन वही है, आज मैं मेरे कन इतना लोग हैं इंटरनेशनली भी क्लास चाले है और एवा भी क्लास चाले है, तो वो बेस नहीं होता तो फिर या कौन होते है? मतलब आज तो थे लाखों में कमा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कितना स्टूडेंट रोज डेली थारकन डांस सीखे नाओमी और इंडिया के बारे का, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन को भी सिस्टम है, ऑनलाइन ऑफलाइन ही नहीं ऑनलाइन भी डांस सिखाऊंगी। हाँ मेरे कहने दिन का 8 बैच चाले, 8 घंटा की नौकरी रहे मेरी है ना, सुबह 10 से 11 चल रहा है मेरे घूमर ऑफलाइन को, मतलब जिन्हें अठिया के सीखनो वो सुबह, फिर चल रहा है अपना राजस्थानी वेडिंग डांस हुआ है जो सारा जना करें चार चांदा डांस वो 11 से 12, फिर उसके बाद में चल रहा है 3 बजे मेरे ऑनलाइन घूमर ऑनलाइन चल रहा है, फिर उसके बाद में चल रहा है 4 बजे 4:30 बजे बच्चा को वेस्टर्न बॉलीवुड बेसिक छोटा राजस्थानी को ऑनलाइन ऑफलाइन के बाद में राजस्थानी को ऑनलाइन, तो राजस्थानी को ऑनलाइन जो चाल है 7 से 8, उनके बाद में चाल है 8 से 9 एक बॉलीवुड ऑनलाइन, और उनके बाद में कोई भी पीटी हुए बाहर की जहाँ पर्सनल क्लासेस वगैरह हुए वो स्लोट रहे हमेशा, जहाँ 13 घंटा को गैप रहे अपन और यूएसए को और यूके यूके को 5 घंटा को रहे, तो वह या तो सुबह कोई क्लास फिक्स कर ली, हमेशा मेरी वर्कशॉप सियाटल की यूएसए में है बट आगे मैं कम से कम 5-6 वर्कशॉप दे दी,